और अभी श्राम शुक्ल, इसके बाद श्राम कृष्ण, ये शुक्ल से प्रारंभ होता है। चांद प्रमास मास तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मास प्रारंभ होता है और अमावस्या को कृष्ण पक्ष से। तो श्रवण जिसमें हो है उसका नाम श्रावण। श्रवण नक्षत्र में जिसकी पूर्णिमा पड़ती हो जिस मास की, उसको श्रावण बोलते हैं। ये सब नक्षत्र नाम है। अश्विनी की पूर्णिमा हो तो अश्विन, कृतिका की पूर्णिमा हो तो कार्तिक, वृक्षेश की पूर्णिमा हो तो कार्तिक, पुष्य की पूर्णिमा हो तो पौष, मघा की पूर्णिमा हो तो माघ, फाल्गुनी की पूर्णिमा हो, ऐसे ये मास। तो श्रवण की पूर्णिमा होने पर भगवान का आविर्भाव होता है। जब श्रवण की पूर्णिमा आ जाती है, खूब सुनो खूब सुनो, ये सबका जो माता का हृदय में आविर्भाव हुआ, पिता का हुआ, जाति का हुआ, धर्म का हुआ, ये सबका जन्म श्रवण से ही हुआ है। अगर श्रवण न हो तो न माँ माँ है, न पिता पिता है, न जाति जाति है, न धर्म धर्म, सब श्रवण जन्म है। और श्रवण कर्म जो है वो ब्राह्मण की प्रधानता है, जो वेद शास्त्र जाता है। भोजराज ने वंदना की है ब्राह्मण की, उच्चैर गतिर जगति सिद्ध्यति धर्मतश्च। यदि ये बात सच्ची है कि धर्मानुष्ठान से मनुष्य की उन्नति होती है, ये बात सच्ची है। तस्य प्रमाच वचनैः कृतके तरैश्च, और धर्म के स्वरूप का यथार्थ निश्चय अपौरुषेय वेद वचन से होता है, ये भी निश्चित है। उन्नति होती है धर्म से, और धर्म का यथार्थ ज्ञान होता है अपौरुषेय वेद वचन। तेषां प्रकाशन प्रसाच मही सुरैश्च, उन वेदों का प्रकाशन यदि ब्राह्मणों के द्वारा होता है, मन निश्चित है कि ब्राह्मणों के द्वारा होता है, तो तानंतरेण निपते वरुवत् प्रणामः, तो मैं उन ब्राह्मणों को छोड़कर और किसको प्रणाम करूं। मन संसार में प्रणाम करने योग्य तो ब्राह्मण, यजुर्वेदी ब्राह्मण, आज उपाकर्म कर स्नान, विधि पूर्वक स्नान संध्यावन वही कर्तव्य, और आज उनका ब्राह्मणत्व जागरण, ब्राह्मणत्व जागृत करने का, इसे दिन सबके ही होना चाहिए। क्षत्रिय जागरण का दिन है विजय दशा, वैश्यत्व जागरण का दिन है दीपावली, और शूद्रत्व जागरण का दिन है काली होली होली। किसी ने वेदांतियों को जो गाली दी है वो ऐसे ही दी है होली। कलव वेदांत दिनों भांति फाल्गुने बालक आये, फागुन में जो बालकों की दशा होती है वो ही कलयुग में वेदांत है। कलव वेदांत दिनों भांति फाल्गुने बालक बस, जो नहीं चाहते हैं उनके सामने सोचते हैं कि ब्रह्म का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश कर रहे हैं। तो असल में ब्रह्म का प्रकाश या ईश्वर का प्रकाश नहीं होता, वो अपने व्यक्तित्व का प्रकाश होता है, अपने अहम भाव का ही प्रकाश है। ईश्वर को प्रकट करना चाहते हो कि अपने व्यक्तित्व को प्रकट करना चाहते हो, यदि सुनने वाले चाहते हो तो उनके सामने ईश्वर को प्रकट करो, ईश्वर का आदर करेंगे।
नहीं तो कहेंगे क्या हमारे बीच में ये उठ के खड़े हो। तो उसमें ईश्वर का भी अनादर होता है, ईश्वर के नाम का भी अनादर होता है। तो लोग समझते हैं कि हमारे हृदय में बड़ी करुणा है, हम बरत रहे हैं, पर करुणा दूसरे पर नहीं होती, करुणा अपने पर ही होती है। अपने अपनी ही ख्याति, अपने व्यक्त, अपने सौंदर्य, अपने ही माधुर्य प्रकट करते हैं। श्रवण मुख्य है, क्योंकि श्रवण अज्ञात व्यापक होता है। जिस चीज को हम नहीं जानते हैं वो हमारे हृदय में आ जाता है। तो हम ईश्वर को पूरी तरह नहीं जानते हैं, धर्म को पूरी तरह नहीं जानते, तो श्रवण करने से वो अपने काम के रास्ते हृदय में प्रवेश करते हैं। प्रविष्ट करण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। कान के छेद से मुख को छेद नहीं बोलते हैं, तो क्यों इसको खोलने और बंद करने में हम स्वतंत्र हैं। तो ये रंध्र कहाँ है, इसको तो जब चाहे कर ले, पर कान ऐसे छेद में ये बंद नहीं होते, रंध्र है, रंध्र छिद्र। तो भगवान ने कहा कि जीव जिसको खोल सकता है और बंद कर सकता है उस रास्ते से नहीं, हमने अपने प्रवेश का जो रास्ता है चोर दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया, हम घुसेंगे तो इसी रास्ते से निकलेंगे। प्रविष्ट कर्म रंध्रे, ये इससे अनजान चीज जानी जाती है, आकरणन होता है। आकरणन भगवान ने सोचा कि ये जीव तो बाबा अपना कभी मुंह बंद कर ले तो कान तो खोल के रखें, तो वो जब असावधान होता है तब भी काम के रास्ते से प्रवेश करता है। प्रवेश करके कहाँ जाते हैं, तो अपने भक्तों के हृदय कमल पर जाते हैं। अपने मित्र का घर हो तो बिना बुलाए भी जाने में कोई हर्ज नहीं, अपने पिता के गुरु के घर में, मित्र के घर में, भागवत में लेता है तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हमको हमने शायद स्वामी गंगेश्वरानंद जी से सुना था, वो किसी शहर में अपनी मंडली के साथ एकाएक पहुंच गए, तो पहले से ख्याल था कि हमारा अमुक भक्त उसके घर में चल के क्या बहुत प्रेमी था। जब वहां आप पहुंचे तो उसके घर में ताला बंद था, पड़ोसी से पूछा गया वो कहाँ है, बोले वो तो यहाँ से दूसरे गांव में गया है, 10-20 मिनट 50 मिनट तक गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका ताला घर का तोड़ और उसके घर में घुसो, तो घुस गए। और बोले देखो चावल कहाँ है, दाल कहाँ है, आटा कहाँ है, लकड़ी है, चूल्हा है, और अपना रसोई बना और उसके पास खबर खरीद तो स्वामी जी आ गए हैं, तो अपना काम करके सुविधा से आ गए, हम तो घर में ठहरे हैं। और जब उसको मालूम पड़ा हो झरझर आंखों से आंसू गिरने लगे, शरीर में रोमांच हो गया, हमसे इतना प्रेम है, हमारे ऊपर इतनी कृपा है। भगवान तो अपने सखा के घर में मित्र है, बीमार पड़ा है, बेहोश हो गया है, कपड़े गंदे हो गए हैं, और शौच लघु शंका हो गई है, तय हो गई है, गंदा पड़ा है। भगवान ने देखा दरवाजे तो बंद है, जब बंद है तो आओ छेद से प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करके देखा कि हनी वानी छिड़का होश में लिया, धुनो की समलम कृष्णा
जितना मैल बैठा था उसको अपने आप धोया, उसके कपड़े धोए, उसका मैल धोया, मकान साफ किया। एक मैंने हरि बाबा जी के बारे में सुना, चेला लोग घर न जाए बाबा लोग न पहुंच जाए। अच्छा, एक बार भास्कर उत्सव करना था, वो आपस में मिलके चर्चा कर लेते थे, बहादुर सिंह इतना देंगे, गुलाब सिंह इतना देंगे, रामेश्वर इतना देंगे। तो रामेश्वर से पूछा गया कि तुम कितना दोगे उत्सव में, तो रामेश्वर ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे ऊपर कर्ज हो गया है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम उत्सव में कुछ नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा दोगे क्यों नहीं, देना पड़ेगा। वाह, देना पड़ेगा। बोले हरी नहीं देंगे कहाँ से। बोले कि अच्छा तुम्हारी बेटी का ब्याह हो इस साल में तो क्या करोगे, करोगे कि नहीं, तो करेंगे, तो कैसे करोगे, तो कर्ज लेके करेंगे। तो बोले कि फिर हमारा उत्सव भी कर्ज लेके करो। जब उन्होंने ये बात कही कि कर्ज लेके हमारा उत्सव करो, तो रामेश्वर नाचने लगा हो उठ के, उसकी आंखों से आंसू शरीर हो। बाबा हमको इतना अपना समझते हैं, तो ईश्वर की करुणा जो है वो कर्ण रंध्र है, कान के छिद्र में से ईश्वर की करुणा में स्वयं ईश्वर प्रवेश करता है और जाके अपने सखा अपने भक्त अपने हम जीव के हृदय में बैठ जाता है और वहाँ जितना मैल है उसको धोता है। सुनो कि समलन कृष्ण, जैसे शरद ऋतु स्वयं आती है और पानी के मैल को धोती है, ऐसे महाराज श्रवण मार्ग से भगवान हृदय में प्रवेश करता है। ये श्रवण की महिमा धर्म में, क्योंकि बिना श्रुति के धर्म का ज्ञान नहीं होता। ये जो धर्म के बारे में लोग अक्कल लगाते हैं उसमें अपनी वासना मिल जाती है, अपनी वासना मिल जाती है कि उसमें हमारा लौकिक लाभ कैसे होगा, ये कहीं न कहीं से जब तक देहाभिमान रहता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है, तब तक धर्मानुष्ठान को जब हम अपनी बुद्धि से सोचने लगते हैं तो बुद्धि में वासना मिल जाती है। बहुत प्रीत पुजारी दे पर पूजे पर थोरी, देख सिख सिखय न मानत, मूढ़ता असमो। और एक बात और है, ये भक्त लोग दीन 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 अपने को बोलते हैं, तो राम दुआरे दीन तो ठीक, भगवान राम के सामने जाके जब दीन होंगे तो संसार में किसी के सामने दीन नहीं होना पड़ेगा, न राजा के, न सेठ के, न पंडित के, किसी के सामने। सारी दीनता छुड़ाने के लिए एक भगवान के सामने दीन हो जाओ, तो वो तो अन्य के प्रति जो दीनता है उसकी व्यावर्तक दीनता होने से सिद्धम तो निवर्तक, तो आप अन्य दीनता की निवर्तक होने के कारण वो दीनता बहुत बढ़ गया। और महाराज जो संसार में जने जने के प्रति दीन है तो वो भक्ति मार्ग नहीं है। राम रूप देखा ही क्यों दीना, दीन तो एक ही है, दीन शब्द एक ही है, परंतु एक भगवान के सामने दीन है और एक संसार के सामने दीन है। जो संसार के सामने दीन है उसको परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। राम रूप देखा ही क्यों दीन, और जो संसार को ललकार देता है, अब मैं तो जान्यो संसार जी न सके मोहि माया बल, निपट कपट आगा, माया का खेल कपट का खजाना, कपट आलय, कपट आगार माने कपट आलय, दुखालय, कपट आलय,
तीन होने का अर्थ, ये तो जैसे कोई कमजोर आदमी हो जाए ना, जैसे आपके साइकिल में से हवा निकल जाती है, तो जहाँ हवा भरी जाती है साइकिल में, वहाँ आप जाके उसका छेद खोल दो और उसमें हवा भर लो, तब तो ठीक है। और जहाँ हवा है ही नहीं, हाँ, वहाँ जाके खड़े हो जाओ। तो ये तीन शब्द का अर्थ वैसे ही संस्कृत भाषा में होता है क्षीण क्षीण दीन क्षय क्षीण हो गए। तो जब अपनी बुद्धि, अपना बल, अपनी शक्ति क्षीण हो जाती है, तो भगवान के सामने जाके खड़े होते हैं और यहाँ से खजाने में से फिर पेट्रोल भर जाता है। तो पेट्रोल भरने के लिए भगवान के सामने जाके खड़े हुए, मोटर खड़ी हुई, हाँ भाई भर दो। ऐसे भगवान के सामने दीनता होती है, संसार के सामने दीनता नहीं। हमने एक बार बिहारी जी के सामने जाके कहा, पापो हम, पाप कर्मा हम, पाप आत्मा, पाप संभव, वेदांति लोग को बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं कि हम ब्रह्मा हम कहने से तो ब्रह्म हो जाएंगे और पापो हम कहने से पापी हो जाएंगे। वो कहते हैं कहने मात्र से ही हो जाएंगे, बोला न पापो हम कहने से पापी हो जाएंगे, न तो सोहम कहने से सोहम हो जाएंगे। हमारे बम्बई में सोहम पार भी है, ये ख्याति कोई नमस्कार की प्रक्रिया तो है। नमस्कार की प्रक्रिया तो नमस्कार के रूप में होती है, नाहम नमः। ये बात, ये किसी वस्तु के लिए, किसी क्रिया के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी पद के लिए, कहीं स्वर्ग वैकुंठ में जाने के लिए, वैकुंठ में जाने के लिए भी तीन होने की जरूरत नहीं है। बोले बाबा जहाँ रखो वहाँ रखेंगे, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तक बीज भरे बनवाना। बोले श्रवण करो श्रवण, तो धर्म का ज्ञान भी बिना शुद्ध श्रवण के नहीं होता। अपने मन से जो सोचते हैं ना, ये करेंगे तो धर्म होगा, ये करेंगे तो धर्म होगा, तो उसमें कोई न कोई लौकिक लाभ की दृष्टि बनी रहे। इसमें हमारा आदर होगा, इसमें पूजा होगी, कीर्ति बढ़ेगी, जग बढ़ेगा, लोग हाथ जोड़ेंगे। और धर्म का प्रयोग जब व्यक्तिगत लौकिक लाभ के किया जाता है, ये किया जाता है, तो वो धर्म नहीं रहता है। धर्म की आवश्यकता है। कृष्ण लाभ यदि धर्म का चाहते हो तो वो है अंतःकरण की शुद्धि, और अदृष्ट लाभ यदि चाहते हो तो वो है नारायणाकार वृत्ति। वो भी दृष्ट ही है, परंतु उसमें दृष्टादृष्ट दोनों की संगति है। अंतःकरण शुद्ध हो जाए, धर्म का असली रूप श्रवण के बिना ज्ञात। अब देखो लोग बड़े प्रेम से सुनाते हैं, जब हृदय निश्रेयस सिद्धि का धर्म, जिससे आप हृदय और निश्रेयस की सिद्धि हो उसका नाम धर्म। अच्छा, किससे हृदय निश्रेयस की सिद्धि होती है? ये बात हृदय निश्रेयस की सिद्धि होने पर मालूम पड़ेगी कि ये करने से हमारा हृदय निश्रेयस हुआ है। तो आप हृदय निश्रेयस के पहले कैसे जानोगे कि इससे हृदय निश्रेयस की सिद्धि होगी? लक्षण बिल्कुल असंगत है। फल के द्वारा वो साधन का निरूपण करना चाहता है, जतो फल निरूपण के द्वारा हेतु का निरूपण करना चाहता है। तो पहले होना चाहिए हेतु, बाद में होना चाहिए फल। तो हमारे गुरु मीमांसक लोग हैं वैसे दर्शन के इस धर्म लक्षण को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा, तो जतन कार्य को कर्म मत करो, जतन कार्य द्रव्य मत करो,
यथाचार करो शास्त्रार्थ यथा शास्त्रार्थ अनुशासनात् अभ्युदय निश्रेय। जिस शास्त्रानुशासन से अभ्युदय निश्रेय की सिद्धि होती है, माने शास्त्रानुशासन ही शास्त्राज्ञा का पालन अभ्युदय निश्रेय का हेतु है। तब शोधना लक्षण और धर्म के साथ उसका समन्वय होगा। वहाँ भी अर्थ पद का अर्थ है निश्रेय करत। सवर स्वामी बिल्कुल स्पष्ट बात है। अर्थ क्या था? आर्थिक तो होना चाहिए ना, जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो और उसकी प्राप्ति बेईमानी से ना हो, शास्त्राज्ञा के अनुसार हो। अर्थ की प्राप्ति तो बेईमानी से भी हो सकती है, जो हम चाहते हैं वो अधर्म से भी मिल सकता है। कहना शास्त्राज्ञा के अनुसार जब वो वस्तु मिलती है जिसको हम चाहते हैं, तब उसका नाम धर्म होता है। वो धर्म इंद्रियों को संयम में लाता है, वो धर्म मन को संयम में लाता है, वो धर्म विषयाकार वृत्ति को निवृत्त करता है। वाल्मीकि रामायण के जो राम हैं, वो विग्रहवान धर्म पद ही है, रामो विग्रहवान धर्म। उस पर एक व्याख्या है, उसका नाम है धर्मातीतम। वाल्मीकि रामायण पर धर्मात्मकम व्याख्यान का नाम है। तो उसने उसमें वाल्मीकि रामायण में जितना उपासना है, जितना ज्ञान है, जितना योग है, सबका तात्पर्य धर्मानुष्ठान में ही है। रामादिवत प्रवर्तित अभियान न रावणादिवत, रावण की तरह आचरण नहीं करना, राम की तरह करना, ये धर्मात्मकम व्याख्या है। और फिर तो शिरोमणि है, तिलक है, भूषण है, कपट है, तीर्थ है, बहुत व्याख्यान है वाल्मीकि रामायण का। सांकर संप्रदाय का भी व्याख्यान है, और महेश्वरानंद तीर्थ का व्याख्यान है, उसको तीर्थ बोलते हैं। रामानुज संप्रदाय का व्याख्यान है भूषण। तो गोस्वामी जी के जो भगवान हैं, वो उनकी मूर्ति करुणा है, एकदम करुणा ही करुणा उनकी मूर्ति है। ये विभाग होता है, किसी को धर्म की, चरित्र प्रधान व्यक्ति को धर्म की आवश्यकता है, और जिसके मन की वासनाएं शांत नहीं होती हैं, भगवान की करुणा के बिना कैसे शांत होंगे। जो बाधे को छोड़े, किसी का मन बहुत चंचल है, बिना योगाभ्यास के वो कैसे शांत होगा। पर न तो श्रवण के बिना योगाभ्यास सिद्ध हो सकता है, न श्रवण के बिना उपासना सिद्ध हो सकती है, न श्रवण के बिना धर्म ज्ञान हो सकता है। श्रवण जो है वो मुख्य है। अब श्रवण को श्रुति कहो, श्रुति यदि ज्ञान देने वाले को श्रवण कहते हो, तब तो उसका अर्थ हुआ श्रुति, और सुनने के कारण को श्रवण कहते हो तो उसका अर्थ हुआ काम। पर वेदांती लोग दोनों अर्थ में श्रवण शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। श्रोत अभियो मन अभियो निधि विराज, इनकी अद्भुत माया है इसमें। यदि श्रवण के अतिरिक्त कर्म को, उपासना को, अभ्यास को यदि परमात्मा की प्राप्ति का साक्षात साधन मान लिया जाए, तो इनके ज्ञान सिद्धांत का ही निराकरण हो जाता है। साक्षात साधन है, परंपरा साधन है, परंतु साक्षात साधन नहीं है। ये यदि ये बात मानते हैं कि अज्ञान से ही परमात्मा ढका हुआ है, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ज्ञान स्वरूप परमात्मा केवल अज्ञान से आवृत है, तो ये बात माननी पड़ेगी कि ज्ञाने न तु तदज्ञानम जेषाम नाशितमात्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। तब जिज्ञासा होनी चाहिए चित्त में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ है कि अज्ञान से आवृत है परमात्मा,
और ज्ञान से ही उस आवरण का होता है भंग, तो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा माने ज्ञान विचार, जिसकि वहाँ संत प्रत्यय का अर्थ विचार माने ब्रह्म विचार कर्तव्य विचार करो। अब देखो बात क्या होगी कि जो परमात्मा केवल अज्ञान से प्राप्त है ये है अद्वैत वेदांत का विचार, और कोई आवरण नहीं है, न वासना आवरण है, न विमुक्ता आवरण है, न स्थूल सूक्ष्म का आवरण है, न कर्मावरण है, न कर्मावरण है, न वासनावरण है, न चांचल्यावरण है। आवरण है तो केवल अज्ञान, और अज्ञान जहाँ आवरण होता है वो वस्तुतः आवृत वस्तु नहीं होती, अनावृत ही होती है, अज्ञान के कारण आवृत वस्तु होती है, ये अज्ञान का नियम। और ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, तो अर्थ ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वो भी नित्य निवृत्त ही होता है। तो परमात्मा तो आवृत नहीं हुआ और अज्ञान हुआ नहीं, और ज्ञान ने होकर कुछ नया काम किया नहीं। अज्ञान नावृतम ज्ञानम फिर मुझंती जनतवा, तो परमात्मा नित्य प्राप्त होके ही अप्राप्त सा प्रतीत हो रहा है। तो अज्ञान से आवृत होना और अज्ञान का ज्ञान लेना ये भगवान के नित्य निरावरण होने का निरूपण है, नित्य निरावरण होने का, और साधनांतर के निषेध का भी। नाशित मात्मा ज्ञान तो ज्ञान नाशित मात्मा ज्ञान किया था ज्ञान नाश तो। हाँ, तो मैंने जिस दृष्टि से अज्ञान है उस दृष्टि से अज्ञान का नाश भी होता है। और नाश शब्द का अर्थ संस्कृत में तो हिंदी जैसा तो नहीं है ना महाराज, वहाँ तो दर्शन होता है, अज्ञान का दर्शन हो रहा है, अपरोक्ष अनुभव हो रहा है, अब जब ज्ञान हुआ तो अज्ञान का अदर्शन ही हो गया। वो तो जैसे अज्ञान में सर्प का दर्शन हो रहा है और ज्ञान होने पर सर्प का अदर्शन हो गया, तो वहाँ सर्प की उत्पत्ति या विनाश अभीष्ट नहीं है, तो हाँ प्रतीति की ही उत्पत्ति और प्रतीति का ही विनाश वहाँ अभीष्ट है। इसलिए श्रवण जो है, श्रवण का अर्थ ही हुआ संपूर्ण वेद शास्त्रों का परम तात्पर्य है। आदि मध्यावसानतः वेदांतानां विशेषाणां आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम्। तो साधनांतर का निषेध है, केवल अज्ञान का आवरण है, वो आवरण ज्ञान से निवर्त्य है, परमात्मा स्वयं प्रकाश है, और सकृत विभातम सदा विभातम स्वप्रकाश सर्वाभासक है। ये सारी बात श्रवण को साधन मानने से, तो श्रवण साधन नहीं होता ये भी एक बात है, वो क्यों नहीं होता कि जो आप कर्मेंद्रिय से करते हैं है ना, वो तो कर्म होता है ना, पांव से चलते, तो परमात्मा को क्या पांव से चल के पाना है या हाथ से पकड़ के पाना है, वो तो ज्ञान से प्राप्त है। अच्छा, तो ज्ञान भी कौन हुआ, क्या चाक्षुष ज्ञान से प्राप्त है, क्या घ्राण ज्ञान से प्राप्त है, क्या स्वज्ञान से प्राप्त है, वही अच्छा कान के ज्ञान से प्राप्त है, काम के ज्ञान से तो शब्द प्राप्त होता है, वस्तु थोड़ी प्राप्त होते हैं। तब श्रवण गार्ग जो है, कान बंद करना या खोलना, आंख बंद करना या खोलना, नाक बंद करना या खोलना, मुंह बंद करना या खोलना है, ये नहीं होता है। परमात्मा वेदांत वेद्यम जगो, ये तो वेदांत वेद्य है, वेदांत के सिवाय और इसका कोई साधन नहीं।
पांव से चल के पहुंच नहीं सकते, हाथ से पकड़ नहीं सकते, मूत्र इंद्रिय का विषय नहीं बना सकते, गुदा का विषय नहीं बना सकते, वाणी का विषय नहीं बना सकते, ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य न तत्र बाघ गच्छति न मनो गच्छति न विद्वान न बिजानीमः जथा एकत अनुशिष्यामि। इसका उपदेश कैसे किया जाए तो इसकी भी कोई शैली या कैसे इसका उपदेश किया जाए, जथा एकत अनुशिष्या इति न बिजानीमः, कैसे इसका अनुशासन कैसे किया जाए, ये तो बोले तब कैसे करेंगे, मनसो मन श्रोत्रस्य श्रोत्रोत्रम वाचो अवाचम, ऐसे करना पड़ेगा। चक्षुष चक्षु, वो आंख की आंख है, वो मन का मन है, मन जिस आंख से हमारी ये आंख देखती है, जिस मन से हमारा ये मन मनन करता है, और जिस वो मन का मन, मन का आत्मा, आपकी आत्मा, कान की आत्मा, आत्मा माने उसमें जो सात तार है, विषय और वृत्ति को छोड़ करके तीन बात उसमें से निकाल दें, अहम वृत्ति और विषय, बिल्कुल सार सार जो ज्ञान है वो परमात्मा का स्वरूप है, सार सार जो ज्ञान है वही परमात्मा का स्वरूप है। उस ज्ञान में, ज्ञान को अद्वैत इसलिए कहते हैं कि दो चीज उसमें नहीं है, ज्ञान तो है पर उसमें दो चीज, दो चीज क्या नहीं है, एक तो ज्ञेय नहीं है, एक तो ज्ञाता है। ज्ञान तो है क्योंकि ज्ञान का निषेध तो नहीं हो सकता, तो ज्ञान नहीं है यदि ये बोलोगे तो ज्ञान से ही बोलोगे, ज्ञान नहीं है ये सोचोगे तब भी ज्ञान से ही सोचोगे, ज्ञान नहीं है ये अनुभव करोगे तो ज्ञान से ही अनुभव होगा कि ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का नास्तित्व तो अनुभवारूढ़ है नहीं, किसी के अनुभव में, किसी के अनुभव में ये नहीं आ सकता, तब वही यही है विषय का सार। आप देखो यदि आपके सामने करोड़ रुपया रखा हो और परम सुंदरी स्त्री रखती हो, और परम सुंदर भोजन रखा हो, परंतु आपको आप से या जीव से उसका ज्ञान न हो, वो क्या चीज, ज्ञान से ही भोजन है, ज्ञान से ही स्त्री है, ज्ञान से ही धन है, ज्ञान से ही शरीर है, ज्ञान ही सबकी सत्ता का साधक है, सबको सत्ता स्फूर्त देने वाला ज्ञान है। अच्छा ज्ञान न हो और आंख हो, कान हो, नाक हो, बेहोश हो जाए आदमी, वो आंख कान नाक का क्या अर्थ है, तो ज्ञान के बिना विषय निस्तार है, माने संपूर्ण विषयों का सार है ज्ञान, और इंद्रियों के ज्ञान के बिना इंद्रियां निस्तार, तो इंद्रियों का सार है ज्ञान, और ज्ञान के बिना वृत्तियां कुछ है, वृत्तियों, वृत्तियां तो कुछ है ही नहीं है, तो वृत्तियों का सार है ज्ञान। अच्छा स्थितियों का सार क्या है, एक आवर्त काल पर्यंत हम समाधि में रह के आए हैं, यदि समाधि का समाधित्व ज्ञात न हो तो किसी को समाधि का सुख मिल सकता है, तो समाधि का सार भी है ज्ञान। ये जो ज्ञान के स्वरूप का निश्चय है, ये जब कोई अपने आप करने लगेगा तो ज्ञाता हो जाएगा, और यदि ज्ञान के बारे में निश्चय करेगा तो ज्ञान ज्ञेय हो जाएगा, माने ज्ञान में ज्ञेयत्व का भ्रम हो जाएगा और ज्ञान में ज्ञातृत्व का भ्रम हो जाएगा। ज्ञान कभी ज्ञाता होता नहीं और ज्ञान कभी ज्ञेय होता नहीं, उसमें ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व ये दोनों जो हैं, ये बात भागवत में है, भागवत को ऐसे नहीं समझना, बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम है भागवत में, ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता कर्म चोदना है महाराज, उसके आगे
ज्ञान उसने ज्ञान ज्ञान और ज्ञेय जो है त्रिविधा कर्म चोदना इस अठारवे में है अभी जो तेरहवे में उसने बताया कि ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम सर्वस्य विष्ठिता उसका अर्थ है कि गम्यता नहीं है और वृत्ति ज्ञान रूप ज्ञानता नहीं है और विषय रूप ज्ञेयता नहीं है वो निषेध ही के लिए है सब ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम तो ऐसा जो ज्ञान है कि भागवत में कहते हैं तत् तत्व तत्वविदः वदन्ति तत्ववेत्ता लोग उस तत्व का तत्वविद तत्व तत्तत्व वदन्ति किं तत् जत् अद्वयं ज्ञानम वदन्ति तत्तत्वविद तत्व जत् ज्ञान मद्वयम् जत् अद्वयं ज्ञानम तत्तत्वं वदन्ति ये वदन्ति तत्वविदो वदन्ति जो तत्व को जानते हैं वो अद्वय ज्ञान को ही तत्व कहते हैं इसका अर्थ है कि तत्व माने सत् अनारोपिताकार सत् जिसमें आकार का आरोप हटा के जिस वस्तु को देखते हैं कंगन हार कुंडल आदि का अपवाद करके सोने की पहचान करो नहीं तो सोना पहचान में नहीं आवेगा हाँ नहीं तो फिर कुंडल को तो सोना पहचानोगे हार को नहीं पहचानोगे हार को पहचानोगे तो कुंडल को नहीं पहचानोगे क्योंकि नाम रूप को ही पहचानोगे सोना को नहीं पहचान पाओगे तो आकार का अपवाद करके ही तत्व को पहचानने अब वो तत्व जो है वो ज्ञान से भिन्न है कि अभिन्न तो यहाँ बताते हैं अद्वयम ज्ञानम तत्वम अद्वय ज्ञान ही तत्व है मन तत्वम सत अन्य ज्ञानम चित अन्य कैसी न चेतन ज्ञान अलग है और जड़ तत्व अलग है ऐसा नहीं तत्वविद तत्तत्वम बदंती चिंतन जत अद्वयम ज्ञानम जो अद्वय ज्ञान है अद्वयम किम ज्ञातृज्ञेय रूप द्वैत रहता जिसमें द्वय नहीं है ऐसा ज्ञान जिसमें ज्ञातृत्व और ज्ञेयत्व नहीं है जिसमें भोक्ता भोग्य भोजन की त्रिपुटी नहीं है जिसमें ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी नहीं है त्रिपुटी वाला ज्ञान नहीं स्वप्रकाश सर्वावभाषक ज्ञान ये ज्ञान का स्वरूप है अब इसी को उपासना की दृष्टि से हम भगवान कहते हैं इसको परिभाषा वचन मानते हैं सर्प टीकाकार जो है भगवान को भगवान यहाँ जो ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान थी एकमेव तत्वम तदेव तत्वम क्वचित ब्रह्म शब्द थे क्वचित परमात्मे शब्द थे क्वचित भगवान शब्द थे शब्द का ही भेद है जैसे रूप के भेद से तत्व में भेद नहीं होता वैसे नाम के भेद में भी नाम के भेद से भी तत्व में भेद नहीं होता बताना तो ये समझाना तो ये तो नारायण इस तत्व का जैसे धर्माधर्म का ज्ञान श्रवण के बिना नहीं हो सकता परंतु वहाँ अधर्म का त्याग और धर्म का अनुष्ठान करना पड़ता है उस श्रवण में ये विशेष है अच्छा और उपास्य तत्व का जो ज्ञान है उसमें उपास्य विषयक वृत्ति उपासना करनी पड़ती है और अपास्य विषयक जो वृत्ति है उसका परित्याग करना पड़ता है यहाँ कर्म का त्यागात्याग है और वहाँ वृत्ति का भाव का त्यागात्याग है और योग में योग भी श्रवण के बिना ज्ञात नहीं होता परंतु वहाँ दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान होना पड़ता है और वृत्ति सारूप्य का परित्याग करना पड़ता है तो ये सब का सब अपर विद्या है ऐसा बोलते हैं
परा विद्या वो है जहाँ सत और ज्ञान का अभेद होने के कारण और ज्ञाता ज्ञेय का भेद न होने के कारण जहाँ सद वस्तु और चित वस्तु पृथक पृथक नहीं होती, चित ही सत है और सत ही चित है। यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ज्ञान से अलग होने पर सत जड़ हो जाएगा। ज्ञान से अलग हुआ और जताई, और सत से अलग होने पर ज्ञान क्षणिक हो जाएगा, असत हो जाएगा, ज्ञान ही असत हो जाएगा। सत से अलग होकर ज्ञान मर जाएगा और ज्ञान से अलग होकर सत्य बेहोश हो जाएगा। ज्ञान के बिना सत्य बेहोश है और सत्य के बिना ज्ञान, उत्पत्ति बिना शील है, क्षणिक है, उत्पत्ति बिना। इसलिए सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जब श्रुति बोलती है तो उसका कहना है कि सत्य और ज्ञान को अलग अलग मत करो, तब तो अनंत है। अनंत माने अभाव, बिल्कुल हो अनंत माने अभाव। वेदांत में अंत शब्द का अर्थ, हाँ, अनंत शब्द का अर्थ बिल्कुल अभाव। किसी भी प्रकार उसके मिथ्यात्व का निश्चय नहीं हो सकता, उसका अंत नहीं मिलेगा। यदि किसी को अपना अंत मिल सकता हो तो ज्ञान का भी अंत मिल सकता है, यदि अपना अंत मिल सकता हो तो सत्य का भी अंत मिल सकता है। इसलिए ये जो ज्ञानाभिन्न सत और सदभिन्न ज्ञान है ये अबाधित है, अनंत है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अबाधित है। इसी को बोलते हैं ब्रह्म, इसी का नाम है ब्रह्म। बोले भाई इससे भी परे कुछ हो तो ब्रह्म विद आपनोति परम, ये सूत्र है, सूत्र वाक्य तो है ब्रह्मविद आत्मोति परम, ये तो है उपनिषद का सूत्र। अब इसका ये व्याख्या है, बोले भाई ठीक है ब्रह्म तो ऐसा है, परंतु ये मैं क्या हूँ, ये प्रश्न हुआ ना, मैं क्या हूँ। बोले हाँ ठीक है, ये सब चिंतन विचार करने पर भी ब्रह्म पदार्थ का ठीक ठीक विचार होने पर भी अभी तुम जरा से अलग रह गए हो, अलग पने का भ्रम रह गया है। तो आओ फिर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश का विवेक करके यही समझा दें सबके अंत में क्या है। बोले बस कुछ ही है और कुछ नहीं, तीतर को हो, तीतर वर्णन करने वाला है, उपदेश करने वाला तो तीतर है, तो पूछ के बिना तीतर क्या। तो उसने कहा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो हमारा तीतर पना इस पूछ के कारण है। ये होते है ना जो चिड़िया होती है, तीतर ही तो बोलते हैं तीतर बटे। देखो ये ब्रह्मा नहीं बोल रहे हो, विष्णु नहीं बोल रहे, ये शिव नहीं बोल रहे, ये वशिष्ठ दत्तात्रेय बोल रहा है, कौन बोल रहा है, तीतर बोल रहा है, ये तीतर बोल रहा है। माने इसमें वक्ता का महत्व नहीं है, यदि वक्ता का महत्व स्थापित करोगे कि कौन बोल रहा है, तो आत्मा के स्वरूप के बोध में वही प्रतिबंध हो जाएगा। आप जो वक्ता की आत्मा तीतर बोलता है, मैं ब्रह्म, अरे बाबा जब मैं तीतर होके ब्रह्म हूँ तो तुम महात्मा लोग तुम ब्रह्म क्यों नहीं, मैं तीतर होके जब ब्रह्म हूँ, अरे बाबा मैं ब्रह्म हूँ ये बात तो कहने की है ही नहीं, क्या है का मेरी पूछ ब्रह्म ब्रह्म गुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म गुच्छम गुच्छम प्रतिष्ठा। इसी से जैसे तीतर बढ़ता है वैसे मंडूक भी बढ़ता है, मेढक मंडूक माने मेढक, बिल्कुल मंडूक है। मेढक कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये मेढक के शरीर की उपाधि से जो आत्मा है वो आत्मा सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही है।
बेड़ा कैसे बने थे ना वो उनके यज्ञ वगैरह में जब मुगल की याद इसलिए पुत्र बन के ऋषि आए मंदूक कौन अब हो गया ना मंदूक महाराज वेद में ऐसा वर्णन है कि वशिष्ठ जी ने एक बार कारिदेश की करवाई ऋग्वेद में है तो अब कारिदेश की सफल हुई कि नहीं हुई है तो कारिदेश की सफल हो गई इसके लिए बेढक लोग बोलने लग गए कि अब वर्षा होगी तो मंडूक सूक्त वेद में मंडूक सूक्त माने वेद मंत्रों के दृष्टा मंडूक भी हैं मंडूक भी इसका अर्थ है कि आप शरीर पर आग्रह मत रखो नाम रूप पर आग्रह मत रखो सफेद खच्चर भी वेदांत होता है श्वेताश्वेतर अश्वेतर माने सफेद खच्चर तैस्त्रीय माने तीतर पक्षी इसी से देखो गोस्वामी जी को कितना है ना वेद का संस्कार होगा वेद पढ़े ही जिन पटु समुदाय मंडुक मेढक ध्वनि क्या है दादुर धुनि चंगोर सुहाई मेढक बोल रहा है और अभी तो बिल्कुल अपमान मालूम पड़ता है वेद का कि मेढक की आवाज को वो वेद ध्वनि बता रहे हैं तो मेढक की आवाज और वेद की ध्वनि एक हो गई अपमान हुआ ना तो नहीं अपमान नहीं है वेद में मंडूकों के वेदोच्चारण का वर्णन इसलिए वो वेद का अपमान नहीं है बल्कि वैदिक सत्य है वैदिक सत्य तो नाम रूप वक्ता की महिमा स्थापित मत करो और वाच्य जो है स्थापित मत करो कि ये बड़े भारी श्रोता नारद जी सुन रहे हैं कई श्वेत केतु जी सुन रहे हैं कई ये इंद्र सुन रहे हैं कई ये महिमा स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है वो त्रिपुरा रहस्य का जो श्रोता है उसकी ओर भी जरा ध्यान दो ज्ञान खंड का जो श्रोता है उसकी ओर भी ध्यान दो न श्रोता का महत्व देखो और न वक्ता का महत्व देखो जिस वस्तु का श्रवण हो रहा है उस वस्तु का महत्व देखो ऐसी महान है वो वस्तु कि उसमें वक्ता और श्रोता दोनों बाधित होके समाप्त हो जाते हैं तो वक्ता और श्रोता का अंत करने वाला जो वक्तृत्व और श्रोतृत्व की विपाधि से विमुक्त है वो अद्वैत है वो अद्वैतम तुरीयम वो शिवम अद्वैतम तुरीयम वो शिव है वो अद्वितीय है वो तुरीय है ये उपनिषदों में ब्रह्म समझाने की प्रक्रिया श्रवण कहने का अर्थ ही है कि ये रतंत नहीं है ये रतंत नहीं है ये हमारे मामा को दो बात बहुत एक तो चभन खूब खाना और एक लोटान तो ये जो वेदांत है इस श्रवण माने निश्चय और निश्चय माने जो वस्तु जैसी है उसका वैसा निश्चय तो इसको बोलते हैं पराविद्या यदि इस ज्ञान से पृथक कोई तत्व बाकी रह जाएगा तो ज्ञान के बाद किसी कर्तव्य का पालन करके उसको पाना पड़ेगा या उसका संस्कार पड़ेगा तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में उसको प्राप्त करेंगे ये तो कर्तृत्व का ही निवर्तक है इसलिए इसमें कर्तव्य नहीं है और ये अंतःकरण का ही बाधक है और इसलिए इसमें कर्म नहीं है ये कर्तव्य से और अभ्यास से बिल्कुल विनिर्मुख संस्कार अंतःकरण ही नहीं है तो संस्कार कहाँ पड़ेगा और करते ही नहीं है
तो कर्म कहाँ से होगा? वो स्वामी जी ने भी इसकी सूचना दी है, कर्म की हो स्वरूप चिन्ह, क्या स्वरूप को पहचान लेने के बाद पाप पुण्य कर्म होंगे? नासो तपति किम हम साधना करवम किम हम पाप में करवम। तो देखो ये मंडूक तित्री आदि का जो वर्णन है वो तो वक्ता के महत्व को, और रईपवादी का जो वर्णन है रईप का तो वर्णन संपर्क विद्या का अर्थ भी वेदांत ही है, और वो जरा ये उपासना की जो विद्याएं हैं ना इनकी परंपरा का थोड़ा लोप हो गया। और संवर्ग शब्द का अर्थ क्या है उपनिषद में? संवर्जनम, संवर्जनम निषेधा लेकिन संवर्जनम संवर्ग, ये भी एक निषेध की, संवर्गोपासना भी निषेध की एक प्रक्रिया है। उद्गीत क्या है? उद्गीत भी वही है, गां ओ प्रणव, प्रणव का उच्चारण, सामी का अर्थ, साम का अर्थ भी स्वम, साम शब्द का अर्थ सामवेद के प्रारंभ में ही साम शब्द की कई उत्पत्ति बताई है। तो देखो भाई लोक रंजन की बात तो थी, यदि धर्मानुष्ठान करना है तो श्रवण करो, श्रावणी बन जाएगी, और भगवान की उपासना करनी है तो श्रवण करो। और भागवत में श्रवण को प्रथम भक्ति माना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णो हो, गोस्वामी जी ने थोड़ा उसमें संशोधन कर दिया, श्रवण करो पर संत से करो। हाँ प्रथम भगति संतन कर संगा दूजी रंजिम कथा प्रथम, और श्रवण को उन्होंने अनेक साधनों में से एक साधन भक्ति में मानते हैं। जाके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हार सुभग परिणामा वर निरंतर मोहिन पूरे के हृदय सदन सौरे। भगवान को लेकर ये श्रवण आता है, और अज्ञान की निवृत्ति श्रवण से होती है, ब्रह्मास्मय के बोध श्रवण से होता है। इसका अर्थ ही है कि कुछ अप्राप्त नहीं है, श्रवण श्रवण को साधन मानना माने अप्राप्त का ही निषेध करेगा। अच्छा जी, तो श्रवण और भद्र, ये भद्र भगवान पात्र का विचार अभी मंडूक, नहीं वो भक्ति के प्रसंग में महाराज, भक्त के संग से भक्ति मिलेगी ना, ये है। और वहाँ ज्ञानी तो कहाँ मिलेगा, इसलिए वो प्रमाण प्रधान है। भक्ति जो है ये गुरु की प्रधानता से, सदगुरु में से, संत में से दिए से दिया जलेगा, और वो प्रमाण से, अविद्या की निवृत्ति जो है वो प्रमाण से होगी। इसलिए उपनिषद की प्रधानता से ज्ञान है, और संत सदगुरु की प्रधानता से भक्ति है, और बदलने वाले पुरोहितों की प्रधानता से धर्म है। हाँ।